ये टीम चुनी और ये इन खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड लाए उस एक्सपीरियंस के बारे में आई थिंक वी हैव वेरी अ वेरी गुड टीम राइट हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं वी हैव गुड टैलेंट लाइक यू सेड ऋषभ इज देयर ललित है शिवम वी हैव सम यंग समर्थ लाइक वंश पेदी एंड अ फ्यू अदर्स मतलब इट्स नॉट जस्ट ऋषभ एंड ईशांत बट या आई थिंक वी आर लकी दैट जो डी डी सी का ड्राफ्ट सिस्टम था उसमें इट ऑज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट टैलेंट जब आप ऋषभ पंत को ऑन बोर्ड लाए क्या कुछ उनसे बात हुई उस बारे में कुछ बताइए ऋषभ प्लेट द फर्स्ट मैच अभी जब इन मैच था हमारा ही वॉज़ हेयर एंड आई आई स्टिल रिम्बर बहुत ही यू नो पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल अलग था जब जब ऋषभ साध थे एंड एंड इनशा आई एम श्योर ही विल प्ले मो मैचेज अभी ही इज़ ऑब्वियसली बिकॉज उनका स्केड्यूल इंडियन टीम के साथ थोड़ा अलाइन रहता है एंड दिलीप ट्रॉफी एंड अ फ्यू अदर टूर्नामेंट्स इज़ वेल सो होपफली विल सीम इन एक्शन फॉर दी अदर मैचेज एंड एंड ओबियसली उनके आने से थोड़ा टीम का एक मोराल एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है आई स्टिल रिमेंबर वो टॉस के लिए गए दैट इन इट्स सेल्फ वॉज अ थिंग फॉर द एंटायर क्राउड इन द स्टेडियम दैट डे एंड एंड ही इज अ ओल्ड डेली बॉय राइट सो एवरीबडी रिलेट्स विद हिम अलॉट ऑफ प्लेयर्स इन आर टीम हैव यू नो ऑलरेडी प्लेड विद हिम इन द पास्ट कुछ तो इनफैक्ट ऐसे जिनके कैप्टेंसी में ऋषभ नीचे थे कहीं आज वो रिशभ के नीचे खेल रहे थे तो इट्स इट आई थिंक ही कुड रिलेट विद पीपल एंड आर टीम में इट्स अलॉट बेटर सो डेफिनेटली अ बिग बूम फॉर द एंटायर लॉट ईशांत शर्मा के बारे में बताइए क्योंकि अभी मैचेस में हमें उन्हें हमने उन्हें देखा नहीं है तो कब वो आने वाले हैं और मतलब हमने देखा प्रैक्टिस करते हुए लेकिन मैच उन्होंने अब तक नहीं खेला तो उस बारे में ईशांत हैज प्लेड हंड्रेड टेस्ट इट्स नॉट इजी राइट समबडी विध रेड बॉ जिसने सौ टेस्ट खेला ही कम्स विद अ वेरी रिच एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर एंड फॉर वाइट बॉल ही इज बीन रेगुलरली डूइंग सम प्रैक्टिस सेशंस काफ़ी आई वुड से उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया है एंड uh, बहुत ही Uh, जिसे कहते हैं एकदम रिलीजियसली एंड रिगरसली हीज बीन इन्वॉल्व होपफुल आई थिंक नेक्स्ट वीक ऑनवर्च यू विल सी यूम एन एक्शन थोड़ा सा ही वॉन्ट टू गेड इन टू द रिदम विच इज वाई एंड एंड स्पेशली विद्ड ऑफ हाइट ही हैज़ तो उनको अपना स्पेशल केयर yeah. करना पड़ता है एंड आई थिंक देर सम पे इन अ चैक्टर एन इज एंकल्स जस्ट बीन यू नो वर्किंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज बोलिंग एंड होप फुल विल सी यूम एन एक्शन इन गेम ऑलो

बी अ पार्ट ऑफ दट जॉय राइट आफ्टर द मैच सो इट व गुड गुड वार्म मोमेंट एंड कोई रील बनाना चाहता था अब yeah. uh, वो ग्राउंड पर कुछ रूल होता है कि हम नहीं बना सकते तो वो ही वॉज वेरी केयरफुलट फाइव मिनट्स आज देम कि यार yeah. देख लो तुम बना सकते हो मैं तुम्हारा फोन नहीं पकड़ूंगा अंदर से बना लो मैसेज खड़ा हो जाता हूँ यू नो ही इज हीज समन इज वेरीसन वेरी वार्म एंड कर्टियस एंड दिल लगा के रखते हैं सबका। दिल से। है बिल्कुल। तो क्योंकि क्रिकेट से कहीं ना कहीं आप भी हो एसोसिएट हो, तो से? से हो नहीं है क्रिकेट से तो डेली का हर बच्चा बचपन से एसोसिएटेड है, I mean, है। हम से जब चार बजते थे हम ग्राउंड में भाग जाते थे और शाम को नौ बजे पकड़ के लाया जाता था वापस किया जाओ एंड आई वाज आई एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड काफ़ी एक्टिवली uh, मैं अपनी क्रिकेट टीम का पार्ट था फॉर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द थ्री इयर्स फिर उसके बाद uh, थोड़ा सा लैग आ गया बिकॉज यू गेट इंट टू प्रोफेशनल लाइफ एंड आगे बढ़ जाती हैं चीज़ें बट हाँ लॉर्ड ऑफ फ्रेंड्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड हु हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनली ऑल्सो एंड इन द डोमेस्टिको लीगज एज वेल तो ठीक है इट वॉज ऑलवेज समथिंग विच जस्ट क्लोज टू अ हार्ट एंड दिस टाइम आर लकी दी डी सी ए श्री रोहन जेटली डेडलिसबिंग टूगेदर दिस एंटर डी पी एल स्टोरी एंड वी आर लकी टू विन टेंडर एंडम पार्ट ऑफ द स्टोरी सो आपकी जो टीम है आप क्या होप्स है फाइनल्स को लेकर ट्रॉफी को लेकर वॉट आर यू होप्स

sports the cap